नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएस एंटरटेनमेंट पे। आज आपको लेके आए हैं हमारे भाई हैं भागीरथ वर्मा जी। ये यहाँ बेलहरी गांव से हैं और सब एक समृद्ध किसान हैं। ये पशुपालन भी करते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके घोड़े के बारे में, इनके व्यवसाय के बारे में, इनके कृषि संसाधन के बारे में और कृषि करने की तकनीक के बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम अपन हमारे चैनल पर बताइए। भागीरथ वर्मा, बबलू वर्मा के नाम से मैं जाना जाता हूँ और मेरा छोटा सा तबेला है जानवरों का, यही मेरा व्यवसाय। कृषि से संबंधित भी रह रहा हूँ। पिताजी और दादाजी का व्यवसाय रहा है किसी, और पशुपालन भी करते रहे हैं। और हमारी यही मंशा है कि मैं जब तक भी रहूँ अपने परिवार से रिलेटेड रहूँ और पशुपालन करते रहें। और उसके साथ साथ घोड़े पालने का भी शौक रखा जाता है और घोड़े की सवारी या घोड़ा पालना बड़े ही खूबसूरत ढंग से हमारे, मैं और मेरा परिवार उसको बखूबी निभाते आए हैं। और कृषि के क्षेत्र में भी मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही एक बहुत बड़ा साधन है जीविकोपार्जन के लिए। बाकी तो सब यहाँ चलता रहता है। ये दिखाते हैं आपको अपना घोड़ा। सबसे ज़्यादा हमारे देश में कृषि प्रधान देश है, तो कृषक ही हैं। कृषक के लिए आप दो शब्द जरूर बोलें जिससे हमारे कृषक भाई मोटिवेट हूँ। ये मेरा घोड़ा है और जबकि इसका नाम क्या है? इसका नाम बादल है। बादल बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही सुंदर है। तो इसकी सेवा आप कैसे करते हैं, क्या खिलाते पिलाते हैं? ये चारा और चना, भूसा, टक्कर वगैरह वगैरह, गुड़, मक्का, गुजई, ये सब इसके प्रमुख खाद्यान्न है। इसकी मात्रा बताएंगे किसान भाइयों को जो पालना चाहें वो कैसे पालें, क्या खिलाएं इसको? देखिए, बहुत से किसान भाई सोचते रहते हैं कि घोड़े पालने के लिए बहुत खाता है, क्या खिलाएंगे, कैसे कैसे रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं पहले बहुत घबरा रहा था, लेकिन जब से लाया मेरे पापा ने बड़ा साथ दिया। और इसके लिए मात्रा 2 किलो भूसा और 2 किलो चोकर, 1 किलो चना इसके दिन में पूरी पर्याप्त मात्रा है और इसी की मात्रा से पूरा दिन ये खाता रहता है। दूध कितना देते हैं आप इसको? दूध 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम को। और जी, मेरी गाय अंदर बंधी हुई है, बड़ी ही सुंदर गाय है, 8 लीटर दूध देती है। 2 लीटर इसके लिए, 2 लीटर अपने परिवार के लिए हो जाता है। इतने पर्याप्त। घोड़े की ऊंचाई चाल 61 इंच है और चाल इसकी 38 चाल पे है। अच्छा, कोई चाल नहीं होती है, 38 चाल पे चलता है। अच्छा। और कितने के आप लाए थे, कितने दिन पहले लाए थे इसको? हम लाए थे पहले जनवरी में, 85,000 रुपये का बच्चा लाए थे, ऐसा जैसलमेर मेरा, राजस्थान से। अच्छा, बड़ा ही रेसर घोड़ा था जब मैंने आया था। अभी इसमें 4 दांत पे हो रहा है, लगभग 4 साल का पूरा हुआ। अच्छा। और इसकी कीमत प्रेजेंट टाइम लगभग 1.5 लाख से ऊपर की है। अगर मुझे इसे बेचना नहीं है, बेचने की कीमत बनाएंगे तो कीमत आकी जाएगी। अच्छा, जैसे पशुपालन जो है इसको एक व्यवसाय के रूप में देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल देखा जा सकता है। पशुपालन व्यवसाय के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका रखता है अपने जो है अपने अपने आप में। मैं तो मानता हूं कि मैं जब आगे अग्रसर होऊंगा तो पशुपालन ही करने का बड़ा शौक रहा है। आप गाय पालते हैं, भैंस भी पालते हैं, भैंस पाल के उसको जो है क्या कहते हैं बड़ा करके दूध निकाल के उसको दूध करने लायक उसको बेचते भी हैं, वो भी व्यवसाय आपका चलता है? जी। तो उसी के हिसाब से जो है पशुपालन भी हो सकता है, मैं आगे समय निकाल कर देखूँगा। और जब भी अगली मुलाकात होगी हमारी, आपको हो सकता है मैं और बनाए थे उसको बेच दिया था, बनाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे सभी के प्यार आशीर्वाद से। चलिए, आप अपनी गाय दिखाइए। ये हमारी गाय है श्यामा गाय, श्यामा के नाम से मशहूर है ये। और दिखने में ज़रूर छोटी है, जिस दिन में पैदा हुआ था उस दिन इसकी नानी आई गई थी मेरे घर। अच्छा। दूध पिलाने के लिए इसकी नानी आई हुई थी और जब से लेकर आज तक उसी की जो परिवार हमारे बीच में रह रहा है। और इसका 8 लीटर दूध है प्रेजेंट टाइम में। वेरी गुड। और 2 साल की है और इसके बाद की एक बच्ची वो है वहाँ पर बंधी हुई है, बड़ी खूबसूरत। और ये आपका कुत्ता? जी, ये इस्तबल की रखवाली करता है। मोबाइल उठा लो, मोबाइल तो सत्य माता का भैया, तुम मोबाइल लिखो, मोबाइल में डब्बा और लकड़ी रखो।
आ गए हम भैया टू। घोड़ सवारी, घोड़े की सवारी।